हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं आपकी ही रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेके आई हूँ। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सुगम, क्या हमें अपने वेट लॉस की जर्नी में मिल्क को ऐड करना चाहिए कि नहीं ऐड करना चाहिए। तो आज मैं आपको इसी का आंसर करने आई हूँ कि हमें अपनी डाइट में मिल्क ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वेट लॉस की जर्नी के थ्रू। तो जी हाँ, आज मैं बताऊँगी कि मैं किस तरह से ऐड करती हूँ कि नहीं करती हूँ। बिकॉज हम वेजिटेरियन के साथ यही प्रॉब्लम है कि हम प्रोटीन को उतना ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड नहीं करते हैं, करते भी हैं तो बहुत ही लिमिट में करते हैं। और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हम वेजिटेरियन एंड हम इंडियन की डाइट में जो है प्रोटीन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाना पसंद भी करते हैं, इवन प्रोटीन को हम बिल्कुल ना बोल देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल है हमारे मसल्स ना बनने की, हमारे फैटी होने की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपना जो है डेली लाइफ में मिल्क को ऐड करती हूँ, कितनी क्वांटिटी में ऐड करती हूँ और किस टाइम ऐड करती हूँ। ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आप मिल्क लो कि ना लो, कितनी क्वांटिटी में लेती हूँ, कब लेती हूँ, कैसे लेती हूँ, उसमें क्या चीज़ मिला के लेती हूँ कि मुझे उसका प्रोटीन जो है मिल्क का प्रोटीन पूरी तरह से मिलता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल आंसर करना चाहूँगी कि यस, आपको मिल्क ऐड करना चाहिए अपनी वेट लॉस की जर्नी में। ऐड मतलब कि जो नहीं करें वो तो करें, लेकिन जो वेट लॉस की जर्नी में है वो मिल्क जरूर ऐड करें, बिल्कुल भी उसको भूलें नहीं। तो वीडियो में मैं अभी आपको आगे बताऊँगी कि किस टाइम लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। ये भी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मिल्क कैसे लेना चाहिए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटी सी घंटी जो लगी है उसे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वरना मैं जो वीडियो डालूंगी और आपको नहीं मिलेंगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, तो जो मेरा मिल्क लेने का टाइम है वो है मॉर्निंग में 11:30 बजे, 11:30-12 ऐसे हो जाता है। और ये मैं लेती हूँ वर्कआउट से आने के बाद, जिम से आने के बाद। अगर आप भी कोई टहलते हैं, मॉर्निंग में टहलते हैं, इवनिंग में टहलते हैं, वर्कआउट से आने के बाद आपको प्रोटीन लेना मस्ट है। तो ये मैं मिल्क लेती हूँ, इसमें शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं, हल्का सा गर्म है क्योंकि मैं ठंडा दूध नहीं पी पाती हूँ। अगर आप ठंडा पी पाते हैं कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून, जब मैं जिम जाने से पहले मैंने चिया सीड्स जो है वो भिगो दिए थे, वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। पूरा 2 टेबल स्पून आपको इसमें ऐड कर देना है। मैं थोड़ा पीऊँगी देन उसके बाद फिर डालूँगी क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से मैं लेती हूँ 1 सुबह 11:30 बजे। देन मैं इवनिंग में लेती हूँ। इवनिंग में कितनी क्वांटिटी में मिल लेती हूँ तो वो भी मैं भी आपको बताना चाहूँगी। तो इवनिंग में मैं लेती हूँ 1 कप, यानी कि मैं इवनिंग की चाय लेती हूँ क्योंकि विदाउट चाय मैं नहीं रह सकती। तो 1/2 कप मैं चाय ले लेती हूँ, लो फैट मिल्क। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको लो फैट मिल्क लेना है या फिर गाय का दूध आप प्रिफर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या फिर आप गाय का दूध ले सकते हैं फ्री होके। ये मैं शाम को लेती हूँ 4 बजे। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप जिस समय वर्कआउट करते हैं उस समय आपको ज़्यादा मिल्क लेना है, एंड जिस समय आप नहीं करते हैं उस समय आप जल्दी ले लीजिए। जैसे कि वैसे प्रिफर करिएगा कि मॉर्निंग में आप ज़्यादा मिल्क लो एंड इवनिंग में आप कम लो। तो मेरा जो है वो यही रहता है कि मैं मॉर्निंग में पूरा लेती हूँ, 250 ml ये लेती हूँ और 1 कप ये लेती हूँ। तो इट्स माई प्रोटीन जो मैं अपनी डाइट में जरूर कंप्लीट करती हूँ, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं इसे लेना नहीं भूलती हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो लोग बोलते हैं कि आपको दूध नहीं लेना है अपनी वेट लॉस की जर्नी में, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो आप वेट लॉस तो कर लोगे लेकिन उसके बाद जो डेफिशेंसी आपकी बॉडी में होने वाली है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और वेट भी दोबारा गेन होगा, हड्डियों की जो हालत होगी शायद मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो बिना ये सोचो कि आप मिल्क नहीं लेना, मिल्क आपको लेना है लेकिन मैंने जिस तरह से बताया है वो लेना है। टोन मिल्क लेना है, काऊ मिल्क लेना है और किस तरह से, किस क्वांटिटी में, वो भी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। शुगर नहीं ऐड करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो अगर ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मेरे साथ शेयर करिए, मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता दीजिए अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आप मुझे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरह से मैं मिल्क लेती हूँ और आप अपना बताइए कि आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं।
तो फ्रेंड्स देखा किस तरह से आपको लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी अभी भी कोई संदेह है आपको तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सुगम सनशाइन करके, वहाँ पे आइए, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूँगी और आई थिंक मैंने आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ।